व्यूवर्स, ये अरबी चरवाहे हैं। ये सुबह जो है वो अपना माल वगैरह लेकर तो डेजर्ट वगैरह में निकल जाते हैं और फिर शाम को ये अपने घरों की तरफ। तो अभी ये वापस जा रहे हैं और इनके पास ये देखें कि एक छड़ी और एक सिर्फ पानी वाली बोतल होती है। व्यूअर्स, सऊदी अरेबिया में बारिशें बहुत कम होती हैं तो जिसकी वजह से जो है वो नहरी निज़ाम भी बहुत थोड़ा, यानी कि नहरें ना होने के बराबर हैं। तो ये आपको एक नज़र आ रही है कि बहुत बड़ी नहर है और आप देखें कि इसके साथ साथ ये ऊँट वगैरह जो हैं वो घास वगैरह चार रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ज़्यादातर इलाके जो हैं वो खुशक हैं तो बहुत कम इलाकों में इस तरह हमें जो है वो नहरें वगैरह देखने के लिए मिलती हैं। और जिधर पानी वगैरह होगा तो उधर हमें ये जानवर वगैरह जो है वो फिर काफ़ी तादाद में नज़र आते हैं। और नाज़रीन, सऊदीया के जो गांव होते हैं उनकी एक जो है ख़ास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि कैसे ये साफ़ सुथरे हैं और दूसरा खुले खुले घर होते हैं। तो ये सामने आपको कुछ घर नज़र आ रहे हैं। इधर चाहे शहर में गारूँ या गांव में तो कलर तकरीबन सेम ही होता है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है मिट्टी कलर, तो यही ज़्यादातर घरों को किया जाता है।
ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਹ ਰੈਂਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ तो व्यूवर्स, ये तरबूज की शक्ल का जो है वो फ्रूट है, ये मुझे इधर से मिला। तो ये काफ़ी तादाद में इधर लगे हुए हैं साथ साथ, यानी नहर के तकरीबन काफ़ी हैं। तो आपकी ज़बान में इसको, यानी कि ये है तो तरबूज की शक्ल का, लेकिन हम इसको अपनी लोकल ज़बान में फरपंडू भी बोलते हैं। और आपकी ज़बान में इसको क्या बोलते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ये आप देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इधर साइन वगैरह लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगह जगह पे, कि ना तो आप इस नहर में नहा सकते हैं और ना आप इसे क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि दूसरी तरफ भी जाना ममनू है। सलाम अलैकुम, के फालकोस के फीजी मैं तरफ़तानी और ये देखें कि इधर बैठने के लिए जो जगह बनाई हुई है, अभी क्योंकि सीज़न आउट हो गया खजूर की फसल का, तो इसलिए अभी इधर कोई भी नहीं। तो ये एक मजलस सी बनी हुई है, ऊपर भी इसके खजूरों के पत्ते जो हैं वो खुशक करके तो उसकी छत डाली हुई है। और ये भी एक बड़ा सा, यानी कि खेमा टाइप है। इधर ऊपर इसके टेंट वगैरह क्लीन वगैरह लगा के इसको पहले बंद किया हुआ था, अभी इसको खुला हुआ है। यानी तो ये अरब लोगों की रवायत है कि वो इस तरह की जो मजलसें हैं, यानी कि बैठने के लिए जगह, तो वो ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये अभी वीरान पड़ी है, इधर कोई भी नहीं है। और आई थिंक ये शाम को इधर बैठने के लिए, बारबेक्यू वगैरह करने के लिए ये कुछ जगह बनी हुई है। और ये आप देखें कि खाले वगैरह बने हुए हैं पानी वगैरह पौधों को लगाने के लिए, ये इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी सारे ये खाले वगैरह। तो व्यूवर्स, ये कुछ घर बने हुए हैं, ये स्टील की चादर के साथ। आप देखें कि ये टोटल जो है वो स्टील की चादर के साथ घर बने हुए हैं। और ये पानी वाले कूलर
लगे हुए हैं, और इस तरफ जो है वो वॉशरूम वगैरह है। और अभी ये टोटल खाली है, इधर कोई भी नहीं है। आई थिंक ये इधर जो पीछे फार्म हाउस यानी कि खजूरों में बाग में जो काम वगैरह करते हैं, तो लेबर के ये घर हैं। जितनी भी लेबर वगैरह इधर काम करती है तो वो इधर रहते होंगे। तो नाज़रीन ये जो चारा है ये काट के तो इन्होंने इधर रखा हुआ है खुशक करके, इसको ये सारा साल अपने ऊंट वगैरह और भेड़ बकरियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप देखें ये सारा पड़ा हुआ है, और वो पीछे जो है वो काश्त किया हुआ है, वो बिल्कुल अभी हरा भरा है। तो ये इसकी इस चारे की एक ख़ास बात ये भी होती है कि जब इसको काट लेते हैं हार्वेस्ट हो जाता है तो ये तकरीबन एक साल तक जो है वो खाने के काबिल होता है। और ऊंट वगैरह और भेड़ बकरियां स्पेशली इसको बड़े शौक से वो खाते हैं। तो ये पीछे सारा जो है वो आप देखें इधर से ये काट के इसको खुश करके रख लिया गया हुआ पूरे साल के लिए, और पीछे से वो दूसरा जो है वो तैयार है। व्यूवर्स, ये जो घरों के बाहर अक्सर हमें घरों के बाहर देखने के लिए मिलते हैं जो फूलदार से पौधे होते हैं, मेन दरवाज़ों पे अक्सर लोगों ने लगाए होते हैं, तो ये सारी उनकी काश्तकारी की हुई है। तो ये फिर इधर से निकाल के, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये सेल भी करते होंगे। अभी इसका सीज़न जो है ऊँट है, आप देखें कि इनके पत्ते वगैरह जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हुए हुए हैं, लेकिन जब बाहर का मौसम आएगा तो फिर इधर से इनको निकाल के तो फिर आगे ये सेल करते होंगे। तो ये बहुत बड़ी एक वो देखें आप पीछे काफ़ी जगह में ये सारा जो है वो फूल वाले जो पौधे हैं वो काश किए हुए हैं।